रोहित भाई मेरी छोटी छोटी पहाड़ियों का साइज मालूम करके चलेंगे। तो मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगी। मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। रोहित भाई ने जहाँ जहाँ भी हाथ लगाया था वहाँ वहाँ सनसनाहट फैल रही थी। इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा ना हुआ था। उस रात ख्वाब में भी रोहित भाई मुझे नजर आए। उन्होंने मेरे पाँव पे बोसा लिया और बोले कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। उसके बाद वो दोबारा मेरी पहाड़ियों को छूने लगे तो मेरी आँख खुल गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जो कुछ आज दिन को हुआ था वो ही मुझे ख्वाब में भी दिखाई दिया था। अगला दिन इतवार का था, यानी मुझे कॉलेज से छुट्टी थी और रोहित भाई भी इतवार वाले दिन काम से छुट्टी करते थे। सुबह देर तक मैं सोती रही। जब उठी तो रोहित भाई नहा धोकर बिल्कुल तैयार बैठा था। भाई कहाँ जाने का इरादा है? आज तो आप शायद काम पर नहीं जाओगे। मेरी बात सुनकर रोहित भाई मुस्कुरा पड़े और बोले कि सुबह जरा कान मेरे पास लाओ, तुमको कुछ बताना है। मैंने अपना कान भाई के चेहरे के करीब कर दिया और पूछा, जी आप बताओ। वो बोली कि बाजार जा रहा हूँ, रात तुमसे जो वादा किया था वो पूरा भी तो करना है ना। मैंने हैरानी से कहा, भाई कौन सा वादा? वो बोला कि पागल आहिस्ता बोलो, अम्मी को पता ना चल जाए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा कि भाई अब बता भी दो कि मेरे लिए बाजार से क्या लेने जा रहे हो। वो बोला कि रात तुम्हारा साइज लिया था ना, तो वही चीज लेने जा रहा हूँ। मुझे रात वाली बात याद आई तो शर्म से मेरा चेहरा सुरख होने लगा। मैंने कहा, भाई आप भी ना, बस कुछ कहने की मुझ में हिम्मत ना थी। भाई कहने लगा कि जरा कमरे में आओ और मेरी बात सुनो। मैं भाई के पीछे पीछे कमरे में आई तो वो कहने लगा कि शुभा प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी चीज लेने गया हूँ। मैंने कंधे उचका के कहा कि छोड़े भाई, अम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाजार चला गया तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। चूंकि गर्मियों का मौसम था तो रोजाना नहाना पड़ता था। नहाते वक्त मैंने अपनी चीजों का गौर से मुआयना किया तो मुझे मालूम हुआ कि गुलदान का फूल पूरी तरह खिला हुआ था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। आज देखा तो अजीब सा महसूस हुआ। पहाड़ियों की चोटियां भी खूब जलवा दिखा रही थीं। उन पे नजर पड़ते ही मुझे रोहित भाई याद आ गए, जो इन पर डालने वाला सामान लेने के लिए गए हुए थे। पता नहीं उनके जेन में क्या आया, जो बैठे बैठाए मुझे राखी पर ऐसा गिफ्ट देने लगे थे। हालांकि इस त्योहार पर हम हिंदू लड़कियों के भाई अपनी बहनों के बाजू में राखी का धागा बांधते थे, लेकिन मेरा भाई इस बार मेरी कोई और ही चीज़ बांधने के चक्कर में था। हालांकि जितना उनका साइज था उनको ज़्यादा कस कर बांधने की अभी ज़रूरत नहीं थी। अभी उनपे नया नया अरूज था। फिलहाल तो ये ऐसे शान से सर उठाए खड़े थे कि देखने वाले की आंखें झुक जाएं। मैंने उस दिन अपने आप को खूब संवारा था। अच्छी तरह फूल की सफाई की थी। उसकी फालतू घास जो अभी बिल्कुल छोटी छोटी निकल रही थी उसको भी जड़ से उखाड़ दिया था। अब मैदान बिल्कुल साफ सुथरा था। उसे देखकर मुझे खुद पर खूब सारा प्यार आया और मैंने दिल से दुआ की कि हे भगवान, इसको किसी खूबसूरत मर्द के मुकद्दर में लिखना जो इसकी खूबसूरती और नज़ाकत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करे। नहा धो के मैंने बाल तौलिए में लपेटे और कपड़े पहनकर नाश्ता करने बैठ गई। आधे घंटे के बाद जब नाश्ता ख़त्म किया तो मैं बालों को खुश करने के लिए छत पे चली आई और धूप में बालों को खुश करके ब्रश किया।
फिर भाई के कमरे में चली आई। रोहित भाई का कमरा ऊपर छत पे ही था और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद उनके कमरे में आई थी। कमरे में कुछ चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थीं जिनको संवारते हुए मुझे कुछ वक्त लग गया था। आखिर मैं उनकी बेडशीट को दुरुस्त करने लगी तो इसके नीचे से मुझे ऐसी चीज़ मिली कि मैं हैरान होगी। ये एक रसाला था जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में था। उसके ऊपर लड़कियों की जो तस्वीर थी वो देखकर मेरी आंखें शर्म से झुकने लगीं। किसी भी एक के जिस्म पे लिबास नहीं था और इनके बनाए हुए तमाम पोस्ट और अंदाज देखकर मेरी जो हालत हुई थी वो बयान से बाहर है। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी साफ तस्वीरें नहीं देखी थीं, इसलिए खासी तजस्सुस का शिकार हो गई। वो तसल्ली से भाई के बेड पर बैठकर एक एक करके वर्क उलटने लगी। हर एक वर्क पर एक से बढ़कर एक शाहकार तस्वीर थी। मुझे उस दिन पता चला कि ऐसे रसाले भी होते हैं। और ज़्यादा हैरत वाली बात ये थी कि मुझे ये रसाला रोहित भाई के बेड से मिला था। तस्वीरों को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं खुद को गर्म महसूस करने लगी थी, लेकिन इस कैफियत को मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जब वर्क किरदानी करते हुए मैं दरमियान में पहुंची, तो मुझे पहले से पढ़कर हैरत का झटका लगा। मेरी ये तस्वीर इसी रसाले के दरमियान पड़ी हुई थी। मैं हैरत से मुंह खोले अपनी तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर अभी पिछले महीने कॉलेज के एक फंक्शन में बनाई गई थी और मालूम नहीं मेरे कमरे से निकलकर भाई के कमरे और फिर इस रसाले तक कैसे पहुंच गई थी। खैर जो भी था, अभी तक मेरे लिए खासा हैरान कन था। लेकिन फिर भी मुझे रोहित भाई की नीयत पर शक नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही इस तस्वीर को ऊपर ले आई हूँ और मुझसे कहीं खो गई हो और फिर रोहित भाई ने उठाकर इस रसाले में रख दी हो। यही सोचकर मैंने अगली तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। मैं इन तस्वीरों में इतनी खो चुकी थी कि मुझे मालूम भी ना हुआ कि रोहित भाई ना सिर्फ बाजार से वापस आ चुके हैं बल्कि मेरे पीछे खड़े मेरे साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं। अचानक उन्होंने मुझे मतवजा करने के लिए चुटकी बजाई तो मैं घबरा गई और भाई को सर पे खड़ा देखकर लरज सी गई और जल्दी से रसाला अपनी टांग के नीचे छुपा लिया। हालांकि मुझे पता था कि भाई सब कुछ देख चुके हैं। रोहित भाई आगे बढ़े और बड़े प्यार से मेरे गाल पे चुटकी काट के बोले कि मेरी गुड़िया यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने घबराई हुई आवाज़ में बा मुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं भाई, बस ऊपर छत पे आई तो आपके कमरे को ज़रा साफ करने लग पड़ी थी। उसी वक्त रोहित को किसी की कॉल आई तो वो मोबाइल फ़ोन कान से लगाए कमरे से बाहर चले गए। मैंने रसाला अपने नीचे से निकाला और जल्दी से बेड की शीट के नीचे रख दिया और फिर उनके कमरे से बाहर निकलने लगी तो भाई फ़ोन काट के वापस आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला, गुड़िया कहाँ जा रही हो। रोहित भाई अक्सर मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे। मैंने कहा, भाई नीचे कमरे में जा रही थी। तो भाई ने कहा कि नीचे क्या रखा है, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर उन्होंने शॉपिंग बैग मेरे सामने रखा और बोले, चलो अपना गिफ्ट खुद निकाल के देखो और बताओ कैसा है। मैंने लरजते हाथों से बैग खोला तो अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकला जो बिल्कुल नसीब पैकिंग में था। मैंने वो डिब्बा खोला तो अंदर पीले रंग की बनियान थी जो भाई मेरे लिए लेकर आए थे। भाई के सामने खोलते हुए मुझे बेतहाशा शर्म आ रही थी। मैंने जल्दी से उसको बंद करके डब्बे में डाला और कहा, भाई इतने प्यारे गिफ्ट का शुक्रिया। तो भाई ने कहा, गुड़िया शुक्रिया अभी नहीं चाहिए, पहले पहन कर तो दिखाओ, अगर तुम्हें बिल्कुल फिट हुई तो फिर शुक्रिया तब बोलना, वरना तुमको साइज में तब्दीली करवा दूँगा। मैंने कहा, नहीं भाई मैंने देख ली है, मुझे पूरी आ जाएगी, मैं चलती हूँ। मैं अपना अजीब सा गिफ्ट हाथ में पकड़े नीचे चली आई
تو امی نے میرے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ دیکھا تو بولی، شبہ کیا منگوایا ہے بھائی سے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا، ایسے لگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی جانے والی ہو۔ جی وہ امی کچھ نہیں، بس بھائی سے کچھ منگوایا ہے۔ میں بات کو گھما گئی، وہ جلدی سے کمرے میں آ کر بنیان کو چھپا دیا۔ ساری دوپہر میری عجیب سی کیفیت تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کس سے شیئر کروں کہ بھائی نے مجھے ایسا گفٹ کیوں دیا۔ چونکہ ہم دو ہی بھائی بہن تھے تو کسی اور سے شیئر کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ امی کو یہ بات پتہ چلتی تو پتہ نہیں کیا سوچتی۔ فی الحال تو میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، گرمیوں کی دوپہر تو ویسے بھی بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے امی روزانہ دوپہر کو کچھ دیر سو جاتی تھیں۔ آج بھی وہ سو چکی تھیں، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقینا روہیت بھائی نہا رہے تھے۔ باپو تو دکان پر تھے اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ اچانک بھائی کی آواز آئی، شبہ ذرا میرا ٹراؤزر تو پکڑا نا، میں باہر بھول گیا ہوں۔ میں بھائی کی آواز سن کر کمرے سے نکلی اور باہر سین میں آ گئی۔ بھائی کا ٹراؤزر سامنے چارپائی پہ پڑا تھا، میں نے اسے اٹھایا اور باتھ روم کا دروازہ بجا کے کہا کہ بھائی یہ لے لو۔ اسی وقت روہیت نے دروازہ کھولا تو میری نظر بے اختیار ان پر پڑ گئی۔ ان کے اوپر کچھ نہ تھا، میری نظر سامنے پڑی۔ اس ناول کا اگلا حصہ نہیں آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔